वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। हम लोग कहीं गुम हो गए थे और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर सोशल मीडिया के इस घिनौने जंगल में हम फंस चुके हैं और जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है काबली पलाव। शुरू करेंगे नादिया। नादिया ने सुना नहीं, मैं नादिया की लाइन कोट की है। शांत लो। घिनौने जंगल में सोशल मीडिया के आप सोशल मीडिया जैसे घिनौनी प्लेटफॉर्म का नाजायज फायदा उठाते हुए अब जल्दी से काबली पलाव का रिव्यू कर दे। मिसेस मजीद होती ना, ऐसे मेरे कान भी पकड़ने थे और काट के जीरो भी देना था मुझे। अच्छा अच्छा, आप अपने नोट्स पढ़े, मैं बता चलूं कि चैनल है ग्रीन टीवी, क्यू एंड के प्रोडक्शन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफर मिराज और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफन, अब्दुल्ला फरतुल्ला, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान एंड जूही। अच्छा ये अब काबली पुलाव वाले हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं ना करें। हाँ बट आई हैव प्रूफ, सबूत के साथ। सबूत के साथ आई हूँ सबूत के साथ बात करेंगे योर ऑनर। मैं भी लॉयर हूँ। बात ये है कि जब हम कोई सब्जी फ्रूट वगैरह लेते हैं तो एक तोलते हैं ना, एक किलो का चाहिए जी एक किलो, और आप नीचे वजन लगा के ना कम सामान बेचते हैं। ये वो हो रहा है। 40 मिनट के स्लॉट में 28 मिनट्स का ड्रामा चल रहा है, 28 मिनट्स का काबली पुलाव का एपिसोड है। हाँ जी, बाहर बाकी कहाँ गया? 37-40 मिनट्स का ये स्लॉट होता है। अच्छा YouTube पे ड्यूरेशन 28 मिनट्स। YouTube पे इट वाज ओनली 28 मिनट्स YouTube पे, वरना जितने भी कमर्शियल हो 37-40 मिनट्स का कंटेंट होता है। तो इनका कंटेंट 28 मिनट्स का इतना छोटा एपिसोड, ये तो फिर ये सोप में आ जाएगा और उसके बाद ये स्पेशल शॉर्ट स्टोरीज में चलेगा। क्या ऐसा करना चाह रहे? उसके बाद ये शॉर्ट्स में आ जाएगा 1 मिनट। मतलब ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि रादर देन स्ट्रेचिंग इट, इन्होंने कहा एक एपिसोड को दिस इज हाउ दे स्ट्रेचिंग इट। हां इन्होंने कहा होगा दो एपिसोड के बढ़ा रहे हैं शायद, दो के चार कर दो, तीन कर दो। हां इन्होंने कहा फ्लैशबैक ही डालते हैं, 10 मिनट निकाल दो, हम 10 मिनट निकाल देते हैं। बिकॉज़ जब भी मैं इसको देखती हूं ना, मैं कहती हूं इतनी जल्दी खत्म हो गया, इतनी जल्दी। उसकी तो खैर एक और भी वजह मजे का है, लेकिन इस दफा मुझे लगा कि नहीं, इस दफा तो वाकई जल्दी खत्म हो गया। तो फिर मैंने वो टाइमिंग देखी तो मैं इधर तो गड़बड़ है। बजाय मुझे ये बताएं कैसा लगा आपको? मुझे लगा कैसा, मैं क्या लिखा मुझे खुद से, मैंने सुबह असल में लिखे मैंने अपनी राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही। बाबरकत छितर, ये कहाँ था डायलॉग था? ये जो वो पुलिस वाले को प्रमोशन मिल गया है, नादिया फोन करके बोलते हैं सॉफ्ट इमेज ऑफ पुलिस, सॉफ्ट इमेज। क्या आपने क्या मुझे बाबर टीचर जी, आपने क्या मुझे बाबरकत छितर मारे, मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा हाँ, अब इस एपिसोड में ये है कि बारबीना इज़ ऑब्सेस्ड कि उसको वापस इस्लामाबाद में जाना है। जैसे वहाँ तो एक बहुत मज़ेदार ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही है, वहाँ भी ट्रॉमा था, वहाँ भी ट्रेजेडी थी और मुश्किल था। और उसको और मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं कभी जारी को वहाँ इतना काबली पुलाव बनाना पड़ेगा, यहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ कितनी इसको देगी बनानी पड़ती है। यहाँ पे एग्जैक्टली गफार भी यहाँ पे घूम रहा है और फिर जूही भी नफरत कर रही है, तो वो चाह रही है बिल्कुल। और वो मैं हैरान हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं है जो ज़िद करे, और बारबीना जिद पे इस दफ़ा कि मैंने जाना है, चाहे मुझे लगता है अकेली भी चली जाए बस लेके। शी डजंट वांट टू बट शी इज़ डेस्परेट, और इस हद तक डेस्परेट है वो छुरी लेके जो मजदक के कमरे में गई है इस दफ़ा काबली बुलाओ के एपिसोड नंबर 16 में, जो सिर्फ 28 मिनट का है पता नहीं क्यों। तो वो बहुत अच्छा सीन था और वो छुरी बड़ी ड्रोनी थी, स्पेशल रिप बिजनेस किया तो छुरी के साथ जी नहीं, कैटेगरी ना बेस्ट उसमें परफॉर्मेंस में छुरी भी आएगी। छुरी बहुत अच्छी सिलेक्शन थी उसकी और वो डर गई मैं देख के उस छुरी को, और वो सीन बड़ा इफेक्टिव था जो कमरे में चली गई ना उसको कि निकलो तुम यहाँ से, हालांकि पहले खुद ही रो रही थी उसके लिए जब ये चला गया, लेकिन अब फिर उसको कह रही है कि तुम चले जाओ। अब इक्वेशन बदल गई है ना, अब सारी चीज ही बदल चुकी है। क्या वो अभी रुबीना जी बताएंगी? हाँ तो मुझे वही लगा, मैंने कहा ये मिस भी करती है, भेजती भी है, रोक फिर रोक लिया उसको। नहीं उसने नहीं रोका, उसने नहीं रोका, उसने नहीं रोका, उसने इंप्रेशन दे दिया कि नहीं आप रुक जाएं, आप क्यों जा रहे हैं ना। शी सेड इन द एंड कि आप रुक जाएं, उसने भी अब खुद ही उसको निकाल के उसकी वजह से जा रहा है और एंड में कह रही है क्योंकि उसने जूही को सारी बात बता दी है ना, क्या आयशा, आयशा को सारी बात बता दी, आयशा ने राजी कर रही है उनको। हाँ तो कहती ठीक है तुम नहीं जा रहे तो मैं ही चली जाती हूँ। हाँ। तो ये डिसाइड नहीं, नाउ शी वांट्स हिम टू स्टे एक्चुअली बिकॉज उसको ये लग रहा है कि यहाँ गफार है द यू नो प्लॉटर और ये लोग हैं जो कि मासूम हैं नाउ, और दुकान चलानी है, सो अब तुम रुक जाओ।
मैं मिस कर रही हूँ कैरेक्टर्स नादिया अफगान की. बहुत सारी पॉकेट्स हैं जो कि खाली हैं और जो हो सकती थी. ऐसा कुछ मुझे दिल चाह रहा है कि वो उसको वापस आए. तुम्हारे दिल से नहीं, वो अपनी कहानी से चल रहे हैं जो कि बिल्कुल सही. लेकिन आई एम मिसिंग द कैरेक्टर्स. चलो कोई होना चाहिए था बिकॉज वी वर एंजॉयिंग नादिया अफगान सो मच. तो आई विश कि उसके सीन्स और आ जाए और वो उनके स्टूडेंट के भी जो मिठाई लेके आया. और बड़ा अच्छा जुमला उसने बोला कि आपके बाबरकत छित्तर की वजह से मेरी प्रमोशन हो गई है मैडम. बहुत बहुत अच्छा वो सीन था. और एपिसोड वाज नाइस. आई एंजॉयड इट. ठीक है बस हाजी साहब के भी मुझे और सीन्स चाहिए. इससे कुछ रह जाता है जैसे कम था कुछ और हो जाता है तो बड़ा मजा. इमोजी दिखा दे. पिछले देख लिया करो बेटे जब बोर हो अपने नादिया अफगान देखनी हो तो. अच्छा लेकिन मेरा शुरू कर दिया. मेरा जो बेस्ट सीन था वो था जिसमें कोई डायलॉग नहीं थे एंड दैट वाज मजदक फोल्डिंग द क्लोथ्स. और वो ऐसे एक्सप्रेशन जिसने ये वाला दिया ना ये और लग रहा था कि गफार को चबा जाएगा. वो अमेजिंग था. देखिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको लाइंस नहीं चाहिए. आपके बस एक्सप्रेशंस बिल्कुल सबको बस खा गया. वो इमोजी दिखा दें. हाँ स्टिल या बट इट वाज नॉट माय फेवरेट एपिसोड. इट वाज अ गुड एपिसोड. गुड एपिसोड. आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड. ओके सॉफ्ट स्लो क्योंकि इस दफा तो मैंने कमिंग अप भी देख लिया है. मैं नहीं देखती होती नॉर्मली. चीटिंग आगे बहुत तबाही आने वाली है. सो ऐसे शुक्र है ये जरा यू नो जरा एक नॉर्मल पेस पे गया. क्या हुआ प्रोमो में? हाँ और ओनली प्ले सो ग्लैड यू हैव सीन आउट ऑफ फाइव. जो हम बात पहले कर रहे थे कि डायलॉग याद नहीं रहते ना हमें किसी भी ड्रामे के. एक एक डायलॉग याद है मुझे. हमने ख़त्म किया था कि वो कहता है बहरान कि जब गफार चला जाएगा तो मैं सीढ़ियों पे मिली. और वो कह रहा है कि है ना दैट वाज द फ्रीज ऑफ लास्ट. यहाँ जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ वो प्लीड कर रही है हाजी साहब से कि वापस चले पिंडी चले. ठीक है और वो कहते तुम बार बार ये बात क्यों करती हो? क्या कुछ हुआ है? क्या जब कुछ हो जाएगा तो जाएंगे. बहुत अच्छी जाएंगे. उसके बाद वो दोस्त का फोन आ जाता है. वो उसको कहती है मैं करती हूँ बात. वो कर लेती है बात. हाजी साहब रुसे हुए घर आते हैं सर में दर्द वगैरह वगैरह. एंड देन ही सेज़ के मैं नाराज़ हूँ तुमसे. मुझसे करती जो बात. उसने कहा मैंने कितनी दफ़ा की थी आप मेरी नहीं सुन रहे थे. तो फिर उसको कहा दैट हैपेंड. देन हाजी साहब गोज एंड टॉक्स. आप ये देखें फैमिली को बैठ फैमिली डायनामिक्स के आ जाओ. वो बहुत अपसेट है क्योंकि तुम सब उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हो. उस शॉट का में डायरेक्टर ने भी मेरा दिल जीत लिया क्योंकि क्या तो सिंपल बैठे बैठे सीन है. हाजी साहब सिर्फ फ्रेम इन हुए. क्या कॉम्पोजिशन थी सीन की. और एंड में क्या एक्सप्रेशन थे. उधर एक लड़की इधर एक औरत इधर एक बच्ची जिसके सर में वो चोटी कर रही थी. तीनों ने अपने अपने आंसू पोंछे हैं लॉन्ग शॉट में. पता चल गया फीलिंग से भरा हुआ लॉन्ग शॉट नो क्लोजेस ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ्ड बाय द डायरेक्टर. एंड देन वो सब जो है उसके बाद वो कहते हैं ठीक है हम चले मैं चले जाता हूँ बारबीना को. वो कहते हैं कि तुम चली जाओ. और उसके बाद वो जगह आती है जहाँ बारबीना कन्फाइड करती है आयशा. और वो कहती है कि मेरे हाथों में खून नहीं गफ्फार के हाथों में खून है. क्यों दिस इज बारबीना. ये वो राइटिंग है जिसमें आप ये नहीं कहते बताती क्यों नहीं है बताती क्यों नहीं बताती है ना. जो आप सोचते हैं वो आपकी सोच से बेहतर तरीके से आकर राइटर कर रहा है. मैं मतलब मैं ऑनेस्टली आई एम सेइंग आई एम नॉट बायस्ड. जफर मिराज ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव. आई एम अ फैन. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने मोहब्बत की आखिरी कहानी को ऐसा एक्लेम नहीं दिया था. दिस इज राइटिंग फॉर एक्सीलेंस. कोई जुमला कोई जगह और या तो ये राइटिंग और डायरेक्टर दोनों की का कमाल है. और रुबीना जी हम किस ड्रामे में बात करते हैं कि ये बताती क्यों नहीं. किसी को कहते थे कि हम ये क्यों नहीं बता रहे. मुझे प्यार हुआ था मैं बताते जो हानिया हाँ। बताती नहीं थी जो हो रहा था. सारे ड्रामों में हम इस हाँ। जगह से गुजरते हैं. जैसे मैं ड्रामे में अजीका डैनियल का जो करेक्टर था बहाज वो क्यों नहीं बताती अपनी सबको जो सिचुएशन हो रही है. और ये बिल्कुल सही सी ठीक ठीक बात बता रहे हैं राइटर. एंड देयर वाज अनदर जुमला. एक तो इन्होंने बता दिया बाबरकत छित्तर हैशटैग सॉफ्ट इमेज ऑफ क्या प्यारा जगह बनाई है. देयर वाज दिस जुमला जब वो बारान को कहती है
कि तुम सिर्फ मेरे मरे हुए शौहर हो सकते हो, कुछ भी नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि यू आर डेड टू मी, यू आर डेड टू मी, यू कैन ओनली बी माय डेड हस्बैंड. मैं कहती हूँ कि वाह वाह बेहतरीन. अच्छा इमोजी दे दे. इमोजी अब ये तो 4-5-6 मरीना विल गिव 6 थम्स, आई विल गिव ऑल दैट आई हैव हियर 2, वेयर इज द 3 4-5. ये ले, एक मैं ये सुधार ले लें. हाँ यूं भी हो जाता है देखें उस, हाँ ना वो आप, हाँ ये मैं भूल गई थी ना आपने कैसे किया था ऐसे 3 सही एंड माय ओन 2 चलिए जबरदस्त. मैया जी कैसा लगा आपको काबली पुलाव का ये वाला एपिसोड, एपिसोड नंबर 16? मुझे काबली पुलाव के सारे एपिसोड अच्छे लगे. यस ही एवरी प्ले अ फिल्म आल्सो, जब आप एकदम से बहुत ज्यादा एक एक्शन सीन दिखाते हैं ना, उसके बाद आप एक काम दिखाते हैं and that calm is to give you space to start the next right. This was I love what you just said. So this was that, this was that episode. Tufan se pehle ki khamoshi. So tufan aapko bhi ek time milta hai, coming up next dekha maine nahi dekha, to aapko bhi ek time milta hai breathe karne ka before you get into something. Cake aur gota aane laga hai, but then it's still moving forward. Yeah ruki nahi hai wo, tumne nahi goal daire mein nahi ghum rahi, bilkul nahi, bilkul nahi, because so many things have happened. So for me it was a quiet episode. It reflected a lot on human nature, ke insaan ki jo ek hamari jo ek nature hai, hamari fitrat jo hai. Jab aap Barbina ek novelty thi, Barbina ghar ke kaam kar rahi thi, Barbina andar aayi thi, everyone was like Barbina, 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 you know, ye hai, ye ye. Phir whatever the reason was, which was Ghafar, jiski wajah se ye log chale gaye, ab ye log khafa hain ki kyun chale gaye bataye bagair kisi ko. अब आपने अपनी तरफ जो है ना, ह्यूमन नेचर ने एक वे से अपनी तरफ से आपने एक वो दिया कि इस ये लड़की लेके चली गई, ठीक है. अब वो कर करा के अपनी जर्नी करके वापस उधर आ गए हैं इन द सेम सिनेरियो एंड अंडर वेरी सैड सर्कमस्टांसेस. हाँ, और उनपे ये इल्जाम भी लग चुका है कि मतलब भाई इल्जाम तुम्हारी वजह से लग चुका है. क्यों? बिकॉज दे आर एन ईजी टारगेट, दे ऑल नो कि ये ईजी टारगेट है. So that is, I really love that about this episode. के और दोनों तरफ सही हैं, because ये हमारी नेचर में है कि हम लोगों को यहाँ ले आएंगे और फिर ऐसे गिराएंगे, you know. And so when हाजी साहब जब जाते हैं उसके पास बात करने के लिए, that explained everything, के ये भी मजबूर है एक वे से, वो भी मजबूर है एक वे से. So it was a beautiful episode for me. I loved it. I loved because मुझे लगता है कि एक काम में, एक quiet में भी आप इतना कुछ कह जाते हो, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ काबली पुलाव. इट्स टू मी इट्स जस्ट ऑन अ यू नो वेरी वेरी डिफरेंट. इमोजी दिखा दे. हाँ इमोजी. ओके सो आई हैव दिस और अंगूठे नहीं ये है ना. हाँ, वही कह रही हूँ. आते नहीं, कुछ लोगों के 6 भी होते हैं. उसको बुलाएंगे स्पेशल शो के लिए, सिर्फ स्पेशल द लास्ट एपिसोड. जी हमें आपकी जरूरत है, एक्स्ट्रा अंगूठा चाहिए. अब ये राइटिंग की बात कर लीजिए. जफर मिराज, नादिया, नादिया खान, क्या कहेंगी जफर मिराज की राइटिंग? सिंपल बोलूंगी, इतना अच्छा लिखा हुआ है और सभी तारीफ कर रहे हैं. हम सबको बड़ी मुश्किल से फ्लॉज मिलते हैं इस ड्रामे में, एंड इट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल. मुझे लगता है अमीरों की जब हम कहानियाँ करते हैं ना, उधर बहुत मिस्टेक्स हैं और वो बोरिंग हो जाता है. जब आम लोगों की, मोहल्ले की कहानी होती है, वहाँ की फैमिलीज, ख़ानदान, लोग, आई लव सच ड्रामा, और वो बड़ा एंटरटेनिंग होता है. इधर भी सिंस दे आर बैक, द फैमिली इज़ बैक, गफ़ार इज़ देयर, तो बड़े इंटरेस्टिंग अब सीन्स और मोमेंट्स, और वाकई समझ नहीं आता अगले. मैं तो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग पे अभी तक मेरा ना हर एपिसोड में दिल ऐसे धक धक हो रहा होता है कि वो कब है ना, वही आने वाली ना करे वो ऑडियो जिस दिन निकल गई ना, उससे बुरी ऑडियो लीक कोई नहीं होगी. बहुत गंदी ऑडियो लीक है. आई लव रुबीना, दैट्स नॉट फेयर. बस यही मैं इतनी देर से पहुंच गई, ये मैं अपनी इंटेलिजेंस की वजह से कमिंग अप में है. मैंने कोई ऐसे थोड़ी ना देखा करे, ना देखा करे. तो बस वो चीज़ का मुझे ना अभी तक वो डर लगा हुआ है, और आई थिंक हाँ वो होने वाला है, घड़ी आने वाली है. उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, बट सारी लाइंस, स्क्रिप्ट, सिचुएशंस बहुत ज़बरदस्त. तो राइटर के तो फुल ही मार्क्स हैं, मैं तो 10 ही है हमारे जफर मिराज. रवीना जी,
ये देखो ड्रामेटिक्स नहीं थी इस एपिसोड में, ठीक है, लेकिन ग्रिप विदाउट ड्रामेटिक्स, ग्रिप इन द नॉर्मल इस ग्राफ के सिनेरियो में, जुमले कि आप कहते हो कि खामोश हो जाएं सब और मैं देखना चाहती हूँ, फिर जाहिर एक्सप्रेशंस भी उसी तरह आते हैं, तो मैं तो जफर के नंबर रोक रोक के थक गई हूँ तो 10 बस बस हो गई है, हाँ मतलब बस अब नहीं रोका जा रहा, अब नहीं रोका जा रहा महिना जी। सो मेरा तो ऑब्वियसली इट्स अ जॉइंट फैमिली रिलेशनशिप एंड काशिफ। सो मेरा सवाल शुरू में था कि वो जब हाजी साहब को 2-3 दफ़ा फोर्स करती है ना कि हम चले जाएं और वो बार बार पूछते हैं, एंड में वो कहता है अच्छा ठीक है, उसके बाद वो सीन आता है जिसमें वो जाती है उसके पास बजदक के पास और कहती है कि तुम चले जाओ, यू नो शी इज़ वेरी इमोशनल एट दैट पॉइंट। सो मुझे यू नो एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि वाई इज़ शी बीइंग सो इमोशनल, बट देन आई वेंट बैक एंड आई सॉ द होल थिंग एंड इट इज़ बेसिकली कि वो कह रहा है कि इट्स नॉट, वो कहती है ना कि सिर्फ यू आर फोर्सिंग मी टू स्टे इन अ हाउस वेयर नो वन लाइक्स मी, यू आर फोर्सिंग मी टू डू थिंग्स दैट यू नो कि आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हो। सो व्हेन शी गो एंड दैट सीन, दैट होल सीन वेयर शी गोज अगेन, इफ यू लुक एट दैट सीन, इट वॉज जस्ट टू ब्लू वॉल्स, इट वॉज जस्ट ब्लू लाइटिंग, बट यू सॉ द एक्सप्रेशन, यू सॉ उसकी फ्रस्ट्रेशन जब उसको मारती है, आई थॉट दैट वॉज एक्सेलेंट। फिर मैंने सोचा कि अच्छा वो जब इतना पूरा उसने वो किया क्या कहते हैं दिस ड्रामा, फिर जाके कहती नहीं तुम ठहर जाओ, फिर अगेन आई वेंट बैक एंड आई सॉ इट अगेन एंड बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, देन आई सॉ द सीन बिटवीन हर एंड द बच्ची उसकी जो है ना, देन आई रियलाइज आयशा को बता देती है, वो कहती है कि मैं इसलिए कह रही हूं कि मैंने आयशा को बता दिया, वो जब कहती है ना कि वो गफार है, हाँ फिर कहती कि जो आपको माँ बोलती है वो आपका बच्चा कभी नहीं मारेगा। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा मुझे वो सीन याद है कि तेरे गले से लगने के लिए तुम्हें कुछ द सीन बिटवीन देम और हाजी साहब, जहाँ वो कहती है कि मैं आपके गले लग के रोना चाहती हूँ, वो कहती है उसकी फिर शर्त इतनी खौफनाक, एंड देन व्हेन वो कहती है ना तुम ठहर जाओ, फिर वो कहता है कि तुमने क्यों कहा मुझे ठहरने को, फिर बताती कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया, अब वो करेगी जो उसने करना, ये उससे पहले उसने शर्त रखी थी या उसके बाद कहा कि इस्लामाबाद भेज दो, लेकिन जब वो कह चुकी है कि अब मैं सब बता दिया तो अब वो क्यों कह रही है कि इसको इस्लामाबाद भेजो, हाँ बिकॉज वो गफार की उसे गफार का बताया उसे रहना नहीं ना गफार के साथ बता दिया, तो आयशा तो गफार को नहीं भेज सकती, गफार क्या कर सकती है, इस रीजन आई थॉट ये अभी तक उससे इरिटेटेड है, नहीं नहीं एंड शी थॉट आयशा विल बी द बेस्ट पर्सन टू कन्विंस हाजी साहब बिकॉज वो उससे तो कन्विंस नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं कह रही कि गफार को निकालो यहाँ से, लेकिन वो नहीं कह जगह नहीं है ना, वो अभी सिंपल बताए मुझे, ये समझ नहीं आ रही, सिंपल सी चीज है, घर इसका है तो ये क्यों नहीं बता रही कि इस बंदे को निकालो, वो उसके भात जुड़ गई है उसकी जो बहन है, वो ना बताओ लेकिन घर से तो निकलवाओ ना, कैसे ये नहीं रहा, कह नहीं कहा है ना वो वाला सीन जो बड़े मजे का 3,00,000 रुपए दे दिए उसको कि तुम निकल जाओ, वो दैट सीन भी कह रहा है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, अच्छा उसने क्योंकि ये लोग तो चले जाएंगे तो इस घर को कौन संभालेगा, वो तो कोई अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर है और वो कितना परफेक्ट है उसमें, एंड आई लव द सीन कि वो बात भी कर रहा है और उसको भी देख रहा है ना कि उसको डर रहा है उससे, वो भी वहां से लाइंस द वन नादिया वाज टॉकिंग अबाउट, सो फॉर मी नंबर्स दोनों के लिए 10 हाँ वो 12-12 दे रही है अगर मैं 10 दे रही हूँ फिर इनको तो 12 ही बनते हैं। 10 फॉर डायरेक्शन, 10 फॉर राइटिंग फ्रॉम मरीना खान। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार, YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा, कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें, हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी राइटिंग की बात करते हैं, जो राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 7,800 हुए हैं और जफर मेराज साहब के हिस्से में आए हैं 4,134, 53% बनते हैं, 5.3 मिले हैं जफर मेराज को ड्रामा सीरियल काबली पलाव से, वेल डन। अब बात हो जाए डायरेक्शन की,
काशिफ निसार, नादिया। मुझे लग रहा है आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं ना उसमें बड़े सॉलिड नंबर बनेंगे, तो अभी फॉर दिस टाइम दिस एपिसोड 9, नेक्स्ट में मुझे लग रहा है बहुत वो फुल होगा। हाँ, तो 9। रुबीना जी। अच्छा जी, ओके, सो इस दफ़ा काशिफ ने मुझे और ज़्यादा में मुझे यू नो खुश और हैरान, एलिवेटेड माय स्पिरिट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव पीपल हु नो व्हाट डायरेक्शन मींस, एंड आई विश पीपल फॉलो देम, सी व्हाट दे डूइंग, हाउ दे डूइंग इट। दिस इज प्लेज इन द टाइम ऑफ काबली पुलाव, लव इन द टाइम ऑफ कोला। सो वो सीन जिसमें के जितनी दफ़ा भी आता है, जब बारबीना और मिलते हैं, मिल जाती है बारान के पास, जो भी कहने जाती है, उसमें जो टेंशन आती है, जो वो म्यूजिक से बनाता है, शॉट से बनाता है, वाह। फिर वही कॉम्पोजिशन जो मैंने अभी पहले बता दिया एक बैठे हुए सीन की। देन देयर वाज अ सीन जिसमें बारबीना आई गुजर रही है और आयशा बैठी है, और वो मूव तो मैं कहती हूँ मेरी जान ही ले गई। आयशा ने यूं मुंह टर्न किया और कैमरे की तरफ मुंह कर लिया, रिमेंबर दैट। और मैंने कहा इतनी तो बदतमीज है ये। और उसने कहा बारबीना उधर मुंह करके मेरे सर में तेल लगा दोगी। आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव। अब मैं इसके भी नंबर रोक रोक के थक गई हूँ। टेन टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 7,300, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं काबली पुलाव से 3,869, 53% को भी मिले हैं, 5.3 मिलियन को 10 में से। वेल डन काशिफ निसार साहब। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और सबीना फारूक नॉमिनेट हैं इस हफ्ते। नादिया, सबीना तो कमाल है, जो उसने जिस तरह छुरी उठाई और उसकी तरफ बढ़ी है, बहुत ही अमेजिंग था। और जितने एफर्टलेसली फिर जो पश्तो निकली है, ओहो, वो मैं सबटाइटल्स पढूं फिर मैं उसको देखूं, फिर मैं सबटाइटल्स पढूं फिर मैं उसको देखूं, बड़ा मुश्किल था उसको फॉलो करना। इट वाज़ वेरी फास्ट, इट वाज़ वेरी नेचुरल, और वो दोनों के दरमियान इतनी नेचुरल पश्तों में बात हुई है ना, बहुत मुझे मेरा बड़ा फेवरेट सीन है। और उसके अलावा आयशा के साथ बात करते हुए बारबीना वाज़ अमेजिंग, तेल लगाते हुए बात कर रही है शाम, जब उनको हाजी साहब को समझा रही होती है उस वक्त भी उसका वो बहुत ज्यादा, जैसे उसके बाद उसका ट्रस्ट और सब चीज खत्म हो गई है, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस द लास्ट वन वाज तो, एंड शी कैरीड इट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा किया। अब एंड में उसको फिर रोक लिया, पता नहीं क्या होता, इस दफा जाने देती ना तो प्रोमो वाली बात सच ना होती। तो 10 फॉर बारबीना, हमारी बारबीना। रुबीना जी, सारी लाइनें जो उस इस बच्ची की तरफ आ रही हैं ना, वो सब ये तबाह कर सकती थी बड़े आराम से, है ना, क्योंकि कर देते हैं जब लोग उनको पहले अपने अंदर ले जाके उनको अपना नहीं बनाते और प्रोसेस नहीं करते। आई थिंक शी इज लिविंग दिस कैरेक्टर एंड इट्स देयर फॉर अस टू सी, सो ब्रावो गर्ल, आई विश यू गेट इतने ही अच्छे स्क्रिप्ट हमेशा, और अगर नहीं भी हों बच्चे तो बस तुम्हारा बार जो है ना वो तुमने खुद सेट किया है, बस इसको नीचे ना आने देना। 9 फॉर हर। इतनी तारीफ के बाद मैं समझता 10 मिलेंगे, लेकिन आपने 9 दिया। अच्छा, उसको देखो ना, जो दो चीज़ें उसको मिली हैं वो ना मिलती, अब मेल में किसको करेंगे, किसी का इतना काम ही नहीं था। सही बात है। महिना जी, सो आई वट आई लव अबाउट द फैक्ट कि बारबीना का जो कैरेक्टर है वो उसने अभी तक सस्टेन किया है, उसके बोलने का अंदाज, उसके पहनने का अंदाज, सब कुछ जो है ना, बिकॉज अभी हम 15th एपिसोड पे आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यू नो थोड़ा सा वेवर हो जाए या थोड़ा सा यू नो ऑफ बीट हो जाए, लेकिन नहीं, उसने अभी तक, इवन जब वो लड़ती है और जब वो खफा होती है ना, शी इज़ मेंटेन दैट कैरेक्टर, और उसको इसने हिलने नहीं दिया, एंड आई थिंक दैट सेज अ लॉट फॉर हर। But I do agree with Rubina. She's got a solid team behind her, and the scene between her and Bazdak, वो मुझे क्यों अच्छे लगते हैं? Because उसको भी आदत हो गई ना कि ये है अब, and there is a familiarity between them. They were husband and wife,
तो फिर जब उसको फ्रस्ट्रेशन करके वो मारती है ना, कहती दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाते क्यों नहीं हो, वो सुन नहीं रहा, वो इतना एक यू नो इट वॉज अपनाइयत होती है, अपनापन होता है, समथिंग यू नो दैट वो था, यू नो सो दोज थिंग्स दैट हैव बीन कमिंग आउट ऑफ दीज कैरेक्टर्स. सो मैं तो टेन ही दूंगी. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. तेल कितना अच्छा लगाया सर ने, ये वाले काम बिलीवेबिलिटी के साथ करना कि तेल लगा रहे हैं उसमें से निकाल निकाल के. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को बेस्ट करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8000 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं सबीना फारूक के हिस्से में 4160 52% बनते हैं, 5.2 इनको मिले हैं. वेल डन. अब बात हो जाए मेल एक्टर की और नॉमिनेट हैं तशामुद्दीन बारान 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 अब्दुल्ला फरतुल्ला. हाँ उनके दो दिन लास्ट टाइम वही नहीं थे, कोई नहीं, लास्ट टाइम साकिब थे. अच्छा अच्छा, इस बारान को ज्यादा वो छुरी वाला सीन था, फिर वो कपड़े तय करने वाला सीन था और फिर बारान तो मेरा फेवरेट है और मैं अभी तक जो उसके सबसे ज़्यादा सीन्स इन्जॉय किए हैं वो है जिसमें उसने कुछ बोला ही नहीं, चाहे वो लास्ट टाइम डाइनिंग टेबल पे हो जिसमें वो किलर लुक्स ना वो डैगर जिसमें से निकल रहे हैं फॉर गफार वो उसको मारने वाला, और ये तो मेरा माइंड का मास्टर हो जितने इसकी अच्छी विदाउट डायलॉग्स ये एक्टिंग करता है बंदा. और अभी इस दफ़ा भी जो कपड़े इसने फोल्ड किए हैं और जिस तरह वो दांत में रखा है ना, चबा गया गफार को ये बातों बातों में आंखों आंखों में, और लेकिन घबरा गया जब बारबीना आती है ना, फिर घबरा जाता है उससे. तो वो उसका सरप्राइज, डर, प्यार, मोहब्बत, इज सो मच गोइंग ऑन. तो बहुत आई लव दिस कैरेक्टर. 10 नंबर्स. 10 रुबीना जी, एक कैरेक्टर है जो कि वो खुद नहीं है जो उसने बनाया है, मगर हमें लग रहा है कि ये तो यही है. हाँ. कि जो जब बात कर रहा है घर के बाकी लोगों से नज़रें नीचे रखता है, बात करते हुए आवाज़ हल्की रखता है. बारबीना के साथ उसके जितने इंटरेक्शन है, जहाँ वो उसको मार रही है, जहाँ वो लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि गफ्फार चला जाएगा और उसके सामने खड़ा होता है, वो सारी जगह दैट लव दैट ही हैज़ इन हिज हार्ट फॉर दिस वुमन उसकी हर जगह से दिखाई दे रहा है. I think the two, actually the two people who have stunned me with their performances in this play is Saqib and this guy. Stunned me, floored me. वो भी इधर से acting करता है, इधर से यहाँ से acting करता है, जब यूँ देखता है this is Saqib. And this guy, ये एक मासूम शक्ल बना लेता है और नीचे देखता रहता है और बेचारगी से देखता है, और इतने कमाल एक्सप्रेशंस हैं कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि काश मैं इन सीन्स की एडिट पे होती. व्हेन यू वॉच दीज सीन्स एंड समबडी ऑन एडिट, आपको असल में उसकी कदर पता चलती है. हम बहुत सारे जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम मैं तो कह देती हूँ कई दफ़ा अपने डायरेक्टर को, वो कहता है आपने अच्छा किया, मैं उसको कहती हूँ एडिट पे देखना मैंने क्या किया, बिकॉज मुझे पता होता है मैंने क्या किया. इसको अभी दिखाई नहीं देगा, इसको एडिट पे दिखाई देगा, बिकॉज आप बार 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 देखते. Phenomenal performance, definitely a night. Nice. Maina ji, for Baran, Abdullah Faratullah. I think they've said it all, but Nadia ne ek baat kahi hai ke that we are now in love with both Haji Saab and Baran, and that is the beauty of good writing. So I think that is so, because how many, when did we last ever see a play where you are rooting for both the yes. people. Mm-hmm. You three want people. To you want to divide her in half. It's like aadha uski saath chali jaye, aadha you know. True, true. So I think that is for sure beauty of writing. And Baran, I think apna Faratullah is as Rubina said, she said everything that he. Do you remember the scene where jo aati hai usko churi wale scene mein uske paon niche se gande the. हाँ जी, डिड यू नोटिस. और ये करने पड़ते होते हैं, ये होते नहीं है,
ये डिटेलिंग है उसकी हील और उसका ये जो तला तला होता है पैर का वो पता चल रहे थे कि ये दे वर डर्टी एंड आई थॉट दैट यू नो दे यस मे बी ऑडियंस डोंट सी दैट एंड मे बी बट वी फील दैट दैट इज good direction it's a good performance it's everything that makes that scene believable not just the dirty feet the whole scene that is so much a part of iska to hai nine he's very good. Very good. Very good. मेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं ऑडियंस की तरफ से वो हैं जी 8100 और इनके हिस्से में आए हैं यानी कि अब्दुल्ला फरतुल्ला के हिस्से में आए हैं 2997 37% बनते हैं 3.7 को मिले हैं 10 में से वेरी गुड तो जी ये कंप्लीट हुआ काबली पलाव का रिव्यू